हेलो बच्चों, माई सेल्फ मनीष, सीएलसी फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो चलो बच्चों, हम लोग आज इस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। इस पेपर में क्या सबसे पहला क्वेश्चन है, द फिगर शोज एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड अ रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर पल्स ऑन अ यूनिफॉर्म वायर आर अप्रोचिंग ईच अदर। द स्पीड is pulse speed is 0.5 centimeter per second. The resultant pulse at t equals to 2 second is. ध्यान से समझ लो बच्चों, जो ग्राफ किया है यहाँ पर ये वाला फिगर है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये एक पल्स है, ये भी इस तरफ जा रहा है, और दूसरा पल्स, क्योंकि दोनों पल्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ऐसा लिखा है ना। दीज पल्सेस ऑन अ यूनिफॉर्म वायर आर अप्रोचिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। स्पीड क्या दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि ये यहां से 1 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाएगा, और दूसरा भी जो है ये पल्स भी यहां से 1 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट पल्स चाहिए। रिजल्टेंट पल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर सकते हैं, यानी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंडिविजुअल पल्सेस के डिस्प्लेसमेंट का एल्जेब्रिक सम, एक्चुअली वेक्टर सम होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों पॉजिटिव साइड में, तो सिंपल हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आप देखो ये 1 सेकेंड के बाद इसका शेप कैसा होगा, मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ। ये वाला जो पल्स है 2 सेकेंड के बाद ये कुछ ऐसा कंडीशन होना चाहिए था इसका, और दूसरे पल्स की बात करें ये भी 2 सेकंड में इधर 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो आप कह लो ग्राफ होगा ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो यहां से ऐसे हो जाएगा। अब यहां पर इतने से रीजन में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी बात करें, देखो ये एक रिजल्ट है और ये एक रिजल्ट है, दोनों का सम हो जाएगा, यहां से कुछ ये ऐसे आ जाएगा ग्राफ इस तरीके से। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट ग्राफ मिलेगा वो कैसा आएगा, ऐसे फिर ऐसे। अब आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा लिखा है ना, ये 1 से स्टार्ट है, 1 से 0 तक, फिर उसके बाद ये 0 से 1 तक कुछ ऐसा ग्राफ होगा, और उसके बाद फिर 1 से 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा है, इफ द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, ये सोर्स मूव कर रहा है, वेव फ्रंट ऑफ साउंड वेव गेट्स मॉडिफाइड टू, अब इसमें से कौन सा वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा इफ द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। तो ध्यान से समझना, अगर हम लोग मान लेंगे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर सोर्स यहां है, तो इससे जो वेव मिलेगा वो सर्कुलर मिलेगा, थोड़े टाइम के बाद यहां आ गया, फिर यहां, फिर यहां, ठीक है। तो वेव भी आगे की तरफ मूव करेगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है सोर्स ऑफ साउंड ये भी आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये जो सोर्स है ये भी आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हो, जैसे ये वाले ग्राफ की हम लोग बात करें, ये जो सर्कल है पहला वेव फ्रंट, उसका सेंटर यहां कहीं होगा। इसका मतलब जिस वक्त ये पल्स जनरेट हुआ है उस वक्त सोर्स यहां पर था, फिर दूसरे सर्कल का जो सेंटर होगा वो भी यहां कहीं है, यानी जिस वक्त ये वाला पल्स जनरेट हुआ उस वक्त सोर्स यहां था, फिर इसी तरह से आप देख सकते हो कि अलग अलग वक्त पे सेंटर शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइट, यानी इस कंडीशन में जो सोर्स है वो राइट की तरफ मूव कर रहा है, इसमें सोर्स लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, इसमें सोर्स रेस्ट में है। हमें क्या चेक करना है कि राइट की तरफ कौन सा कंडीशन में सोर्स राइट की तरफ मूव कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2 में सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या लिखा है, अ सैटेलाइट एस इज मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, एक उपग्रह एस जो पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, उपग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम है, ठीक है ना। तब एस के त्वरण की दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी,
पृथ्वी के केंद्र के परितः एस के कोणीय संवेग की दिशा बदलती रहती है परंतु इसका परिमाण निश्चित रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा है एस की कुल यांत्रिक ऊर्जा समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। और फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है एस का रेखीय संवेग परिमाण में निश्चित रहता है। रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब देखो ध्यान देना यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले बात करते हैं एस के त्वरण की दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। हम लोग ऐसे मान लें कि एक इलिप्टिकल पथ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई उपग्रह है, सैटेलाइट है जो पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हो कभी भी अगर मान लो यहाँ पर सैटेलाइट है और यहाँ पर अर्थ है तो इन दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो इन दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग ही लगेगा। इसका मतलब जो फोर्स है वो इसके अलोंग हमेशा सेंटर की तरफ होगा। तो एस के त्वरण की दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी, जिधर नेट फोर्स होगा उधर ही तो एक्सेलरेशन होगा, ये स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा, कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम, इसके परिमाण तो निश्चित है लेकिन दिशा बदल रही है। अगर हम लोग दिशा की बात करें, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सैटेलाइट है, इस दिशा में मान लो गतिशील है, तो आर इधर के ही होगा ना, पोजिशन वैक्टर, वेलोसिटी वैक्टर इधर है, पोजिशन वैक्टर इधर है, जब आप आर क्रॉस वी करोगे इधर आएगा, यानी एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो बदलेगा ही नहीं। थ्रू आउट द मोशन एंगुलर मोमेंटम विल ऑलवेज एक्टिंग और इट्स डायरेक्शन विल बी ऑलवेज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये आपकी तरफ है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है दिशा बदलती रहती है, ये गलत लिखा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो कॉन्स्टेंट रहता ही है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, इसमें क्या लिखा है, कुल यांत्रिक ऊर्जा समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। टोटल एनर्जी जो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये भी कंजर्व रहेगा। तो ये जो लिखा है पीरियोडिकली वेरी कर रहा है, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन में लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है, डायरेक्शन बदल रहा है, लीनियर मोमेंटम कैसे कॉन्स्टेंट रह सकता है ना, ये भी बदलेगा। तो एक ही आंसर इसका करेक्ट है और वो आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर इनिशियली एट रेस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। दो ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इनिशियली रेस्ट में है और दोनों एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहे हैं। They are then allowed to move towards each other under mutual gravitational attraction. Their relative velocity of approach at a separation distance. सिर्फ separation लिखने से भी बात वही है, separation r between them. तो इसका क्या मतलब है, दो ऑब्जेक्ट इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे, रेस्ट में थे, अब उनको रिलीज करते हैं, दोनों म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो जब एक दूसरे की तरफ आएंगे सिस्टम का नेट फोर्स, अगर दोनों को सिस्टम मान लें तो नेट फोर्स जीरो होगा, लेकिन किसी एक पार्टिकल को सिस्टम मान लें तो उस पर एक फोर्स लग रहा है उसके कारण वो एक्सेलरेटेड होगा, दूसरे पर फोर्स लग रहा है वो भी एक्सेलरेटेड होगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी किस वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। मान लें एक ऑब्जेक्ट, इसका मासेस अलग अलग दिए हैं क्या, m1 और m2 दिया है ना, और सेपरेशन r, तो एक ऑब्जेक्ट यहां पर m2, दूसरा m1 m2। इनिशियली जब इनफाइनाइट पर था उस वक्त की एनर्जी और अभी की एनर्जी दोनों इक्वल होगी, अगर दोनों को सिस्टम मान रहे हैं तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। यानी अगर आप मान लो कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट v2 वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेट मोमेंटम ये कंजर्व रहेगा। आप लिख सकते हो m1 v1 = m2 v2, एक रिलेशन यहां से आ गया। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी का कॉन्सेप्ट, हाफ m1 v1 square, प्लस हाफ m2 v2 square, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर,
इनके जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या लिखेंगे, जी एम वन एम टू ओवर आर, आर इनके बीच का सेपरेशन है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर टोटल एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है ही, और पार्टिकल्स रेस्ट में थे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो, तो टोटल एनर्जी को हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, जीरो। ठीक है, यहां से जी एम वन एम टू को आप इस तरफ ले आओ तो एक रिलेशन ये आ रहा है, दूसरा रिलेशन ये आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन वन कह देते हैं, और दूसरा यहां मैं लिख दूं एम वन वी वन स्क्वेयर प्लस एम टू वी टू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टू, ये एलसीएम लेने के बाद उधर ले जा रहे हैं जी एम वन एम टू बाई आर। ठीक है, यहां स्क्वेयर है एम टू वी टू स्क्वेयर, तो ये रिलेशन आ गया जो इक्वेशन टू है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से रिलेशन फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन है, एम वन वी वन स्क्वेयर प्लस आप ऐसे लिख सकते हो एम टू वी टू की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, देखो वी टू को आप एम वन वी वन ओवर एम टू ऐसा लिख सकते हो। ठीक है ना, इक्वेशन वन से फिर स्क्वायर कर दे, ये टू जी एम वन एम टू बाय आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से वी वन स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक तो एम वन स्क्वायर आएगा और नीचे में एम टू आएगा, एम वन को भी कॉमन ले लेते हैं, एम वन को कैंसिल कर दो। ठीक है, तो यहां क्या बच जाएगा, वन प्लस एम वन बाय एम टू, सिर्फ इतना बाकी रह जाएगा, और यहां पर टू जी एम वन को कैंसिल कर दिया, बचेगा क्या एम टू बाय आर। तो वी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एम टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू एम वन प्लस एम टू, ये वी वन मिल गया। ऐसे ही आप वी टू भी फाइंड कर सकते हो ना, वी टू में क्या आ जाएगा, देखो यहां पे अगर आप वी वन की वैल्यू पुट कर दो तो वी टू हमें मिल जाएगा टू जी एम वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एम वन प्लस एम टू, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वी वन वी टू मिल गया, हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में क्या लिख देंगे, वी वन प्लस वी टू दोनों प्लस हो जाएगा 2g, ये टर्म तो कॉमन है स्क्वायर रूट में 2gr, और ये टर्म कॉमन आएगा, बचेगा क्या m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। अब देखते हैं इसका जो आंसर्स है कौन से आंसर इसमें मैच कर रहा है। आप m1 m2 को बाहर लिख सकते हो ना बच्चों, ठीक है, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। v1 plus v2 is equals to 2g by r m1 plus m2, ये तो स्क्वायर रूट में रहेगा और बाहर में क्या आ जाएगा m1 plus m2। ठीक है ना, यहां पर भी m2 बाहर आ जाएगा, यहां पर m1 बाहर आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे, ये टर्म बाहर आ गया m1 plus m2 एक रूट से कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट मैं यहां लिख दे रहा हूं 2g फिर m1 plus m2 ओवर r। अब आंसर मिलेंगे, ठीक है बच्चों, देखते हैं कौन सा आंसर इस बार करेक्ट है। 2g m1 plus m2 यहां लिखा ना 2g m1 plus m2 by r इसका स्क्वायर रूट, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर फोर, फिफ्थ में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या लिखा है, अ स्फेरिकली सिमेट्रिक ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ अ मास डेंसिटी रो इक्वल्स टू रो नॉट फॉर आर लेस और इक्वल्स टू कैपिटल आर एंड जीरो फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, वेयर रो नॉट इज अ कॉन्स्टेंट। ये तो स्टेटमेंट लिखा है ना, इस स्टेटमेंट का मैं सिंपल से लैंग्वेज में कह दूं कि यहां से जीरो से लेकर के आर तक डेंसिटी है, मास डेंसिटी है, उसके बाद
मास नहीं है, बस यही कहने का मतलब है, ठीक है बच्चों। और इसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, रो नॉट, यानी एक सॉलिड स्फीयर जैसा आप मान सकते हो, ठोस गोला है जिसका घनत्व रो नॉट है और त्रिज्या आर है। अ टेस्ट मास कैन अंडरगो सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ पार्टिकल इट्स स्पीड वी एज अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। अब आर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकती है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर हम लोग बाहर किसी पॉइंट की बात करें बच्चों, तो एक्सटर्नल पॉइंट पर अगर यहां पर है और ऐसे घूम रहा है, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी ले लेते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर, ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप v को बढ़ाओगे, सॉरी r को बढ़ाओगे, v कम होगा r को बढ़ाने पर, यानी बाहर में ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, r के बाहर ये भी स्ट्रेट आ रहा है, ये दोनों भी होगा, इन दोनों में से कुछ होगा। यहां तक समझ में आया? अब इंटरनल पॉइंट का हम लोग चेक कर लेंगे। इंटरनल पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इंटरनल पॉइंट पर हमें पहले यह देखना है कि उसका ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा। मान लेते हैं कि ये r रेडियस तक मास है और ऑब्जेक्ट जो है यहां पर कहीं है, इस जगह ऐसे घूम रहा है इस सर्कुलर पाथ में, तो सिंपल सी बात आप ये कह सकते हो कि बाहर के जो पार्टिकल्स हैं उनका नेट फोर्स इस पर जीरो होगा। ये समझ में आ रहा ना, किसी भी हॉलो स्फीयर के इनसाइड में ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है, यानी अगर आप बाहर बहुत सारे कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर से मिलके बना हुआ, मान लो बाहर का पार्ट, ये सब जो पार्ट है इन सबको हम लोग क्या मान रहे हैं, बाहर ये कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर से मिलके बना है, तो उसके कारण इस पॉइंट पर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, यानी जो भी फोर्स लगेगा वो सिर्फ इसके कारण लगेगा। ये समझ में आ रहा बच्चों, इतने से अंदर का जो पार्टिकल है, तो आप कह सकते हो अगर अंदर में r डिस्टेंस पर है तो r रेडियस का जो स्फीयर होगा, r रेडियस का स्फीयर बस उसके सरफेस पर ये मूव कर रहा है। अब यहां पर स्पीड आप v डैश कह दो, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डैश बाई आर, where m dash is mass of this particular part of the sphere. ये जो internal part है ना बच्चों, उसका mass हमने m dash मान लिया है, ठीक है। तो m dash क्योंकि density constant है, आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो v dash is equals to square root of g by r. m dash को हम लोग लिखेंगे 4 by 3 pi r cube into rho. ध्यान देना। तो ये radius r ही है, 4 by 3 pi r cube into rho. एक आर कटेगा तो आर स्क्वायर आ जाएगा, और जब स्क्वायर रूट के बाहर लिखोगे तो वी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इंटरनल पॉइंट पर जो स्पीड होगा वो कुछ ऐसा होगा, एक्सटर्नल पॉइंट पर ऐसा ग्राफ बनेगा। अब आप देख सकते हो कि कौन सा करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ई ऑफ द अर्थ विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय, ये तो ग्राफ ही है। अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, सीधी सी बात है, इंटरनल पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, लेकिन हम लोग डायरेक्शन रिवर्स लिखते हैं, ठीक है ना, रेडियली आउटवर्ड नहीं होता, रेडियली इनवर्ड होता है। तो अगर मान लो r उस तरफ है, ये डायरेक्शन है पोजीशन वेक्टर का, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है, ये समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो हम लोग अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में e को पॉजिटिव मान ले तो हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है, सिर्फ पोजीशन के लिए, तो ई के अपोजिट बनना चाहिए। देखो यहां पर ई के डायरेक्शन में है, ये तो ग्राफ ही गलत है, ये भी ग्राफ गलत है, ये वाला देखो फर्स्ट ऑप्शन, इसको आप उल्टा करोगे ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 7, देखो इसमें क्या लिखा है, टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स एक्स एंड वाई ऑफ रेडियाई 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस दिया हुआ है, लाइज इन द सेम वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और उसी प्लेन में दो कॉइल्स है। कॉइल एक्स हैज 20 टर्न्स, कॉइल वाई हैज 25 टर्न्स एंड करेंट इन द कॉइल एक्स इज 16 एम्पियर, वेयर एज इन कॉइल वाई इट इज 18 एम्पियर। करेंट इन एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज एंड इन वाई इट इज क्लॉकवाइज फॉर एन ऑब्जर्वर फेसिंग वेस्ट एंड लुकिंग एट कॉइल्स। हम लोग ऐसा मान लें कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, और इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, उधर नॉर्थ, इधर साउथ, ऐसा मान लेते हैं। तो कॉइल क्या है नॉर्थ साउथ प्लेन में, देखो यहां लिखा है कॉइल कंटेनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वर्टिकल प्लेन, दो कॉइल है, एक ऐसे और दूसरा थोड़ा कम रेडियस वाला, दोनों इसी नॉर्थ साउथ प्लेन में है, एक ऑब्जर्वर ईस्ट की तरफ है, इधर से वेस्ट की तरफ देख रहा है। तो हमें देखने पर कैसा दिख रहा है, एक्स में एंटी क्लॉकवाइज एक में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है, जो सेंटर पर नेट फील्ड होगा, चलो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, अभी सीधी से बात समझ लो आप बच्चों, एक में ऐसा है दूसरे में ऐसा है, एक्स और वाई अगर रेडियस की बात करें, हम लोग इधर से देख रहे हैं वेस्ट की तरफ, ठीक है, टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स एक्स एंड वाई रेडियस 16 एंड 10 सेंटीमीटर, ये एक्स होगा जिसका रेडियस ज्यादा है, ये वाई है इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर में भी अभी लिख रहे हैं, यूनिट चेंज नहीं किया, बाद में पुट कर देंगे, 16 और 10 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है कितना है 20 और 25, करंट भी गिवन है एक्स के लिए, हम लोग इधर लिख दें करंट इन एक्स ये 16 एम्पियर और वाई में है 18 एम्पियर, 18 एम्पियर ऐसा है, ये 18 है, ठीक है 18 एम्पियर। करंट इन एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, एंड इन वाई इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वाई में घड़ी की दिशा में फ्लो हो रहा है, फॉर एन ऑब्जर्वर फेसिंग वेस्ट, और हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों, एक के लिए जो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वो हम लोग मान लेते हैं हमारी तरफ जो है उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, हमसे दूर जो है उसको नेगेटिव मान लेते हैं, यानी ईस्ट की डायरेक्शन में पॉजिटिव और वेस्ट की डायरेक्शन में नेगेटिव, देखो इसका जो करंट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, बी एक्स क्या हो जाएगा म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट डिवाइडेड बाय 2R, आर वन कह दो या आर ऑफ एक्स लिख देते हैं, ठीक है, और बी वाई सब कुछ में सिर्फ एक्स के बदले वाई पुट कर देना है, एन वाई म्यू नॉट आई वाई ओवर 2RY। नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए डिफरेंस निकाल लेते हैं, अगर जैसे नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें लिखना है, ध्यान देना, बी एक्स माइनस बी वाई, ठीक है, अब अगर पॉजिटिव आ गया यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, एक्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में एक्स का करंट ऐसे है ईस्ट की तरफ, अगर नेगेटिव आ गया तो वेस्ट की तरफ, तो ईस्ट और वेस्ट ये तो बाद में हम लोग चेक करेंगे, देखो मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड सबका एक ही दिया है, ठीक है बच्चों, हमें बस ये चेक करना है कि किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, डायरेक्शन मिल जाएगा, सारे ऑप्शंस देखो 1.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है, यानी सॉल्व करने के बाद तो यही आएगा, ठीक है बच्चों, सॉल्व तो आप कर सकते हो, अभी देखो म्यू नॉट बाई 2 कॉमन आ गया, हम लोग b के बदले यहां पर क्या लिख देंगे, एन एक्स 20 है, आई एक्स 16 है, 20 into 16, ठीक है, और नीचे में r की वैल्यू कहीं लिखा है 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, देखो बच्चों
सेंटीमीटर में है तो बाद में हम लोग इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। चलो यहीं पर 100 लिख देते हैं, या आप 100 को बाहर लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस ये चेक करना है कि पॉजिटिव कौन सा है, मतलब ग्रेटर कौन सा है, ठीक है। तो ये 16 से 16 कट जाएगा, यहाँ 20 रहेगा। बी वाई की बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स है 25, ठीक है। उसके बाद आई वाई कितना है, 18, 18 लिख देंगे। और यहां पर 10 सेंटीमीटर है ना, 10 बाई 100, ये 16 से 16 कट गया, 100 दोनों में बाहर ले लेना, यहां पर आया 20। और दूसरे में कितना आएगा, हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1.5 × 25, तो आप इसको सॉल्व कर लो, 25 × 18 या 1.8 है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, 100 × 1.8/4, ठीक है। यहां पर 2, यहां पर 0.9, 0.45, 0.45 आ जाएगा क्या, और 100 से डिवाइड करोगे 45 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बी वाई जो है इसका मान ज्यादा है, और अगर बी वाई ज्यादा है तो बी वाई का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, वेस्ट की तरफ, तो आंसर होना चाहिए टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या लिखा है, अ सिंपल पेंडुलम विद बॉब ऑफ मास m एंड कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ l स्विंग्स अंडर ग्रेविटी थ्रू एन एंगल थीटा, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्विंग इज b, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड अक्रॉस द पेंडुलम इज, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस तो तब होगा जब स्पीड मैक्सिमम हो, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा वायर जो है ऐसे घूम रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, ईएमएफ को हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है, हाफ बी, एक ओमेगा एल लिख देते हैं इनटू एल। ओमेगा एल क्या हो जाएगा, यहां पर इस एंड पर जो इसकी वेलोसिटी है वो हो जाएगी जी, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, तो लोएस्ट पॉइंट पर ये यहां से आया, कुछ ना कुछ हाइट इसका लूज होगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हमें अगर यहां की स्पीड मिल गई, पूरे वायर ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो रोटेटिंग वायर के लिए हम लोग रॉड के लिए क्या लिखते हैं, ईएमएफ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है बच्चों। ओमेगा एल को वी लिख दें तो ये रिजल्ट ऐसा आ जाएगा, हाफ इक्वल का साइन दिया, ठीक है, बी इंटू वी इंटू एल। और वी अगर एच की वैल्यू आप देखोगे, एच क्या हो जाएगा, एल इंटू 1 − cos θ, ठीक है, और थीटा बाई 2 के टर्म में अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो 2L sin² θ/2, ये तो एच आ गया। V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2gh, ठीक है बच्चों। अब EMF क्या हो जाएगा, हाफ V, V की वैल्यू अगर आप पुट कर रहे हो √2gh × L, L तो ये टोटल लेंथ है ना, तो टोटल लेंथ ये कैपिटल L हो गया। अब आप वैल्यूज को पुट कर दो, हाफ V 2gh के लिए देखो, यहां h की वैल्यू है 2L sin²θ/2, तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 आएगा, g आएगा, फिर h के बदले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 2L sin²θ/2 × L, ठीक है। तो अब एक 2 और एक sin थीटा बाई 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक LB जो पहले से है, उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर जी एल और उसके अलावा sin θ/2। अब आंसर मिलाओ, एल बी फर्स्ट ऑप्शन में देखो तो यही लिखा है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ जी एल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार देखें क्या लिखा है।
There are three wires MO, NO and PQ. देखो यहां पर ये MO है, NO और PQ तीन वायर्स हैं. MO and NO are fixed and perpendicular to each other. Wire PQ moves with a constant velocity V as shown in the figure and resistance per unit length of each wire is lambda. And magnetic field exists perpendicular and inside the paper, inside the plane of the paper. Inside the paper कहने का मतलब यही है, इसके perpendicular away from the observer. तो direction आपको पता चल चुका है. ये क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है. एक बार हिंदी में भी आप पढ़ लो, तीन तार हैं एम ओ एन ओ तथा पी क्यू. एम ओ तथा एन ओ ये स्थिर हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं. चित्रानुसार तार पी क्यू नियत वेग से गतिशील है तथा प्रत्येक तार की लंबाई प्रति इकाई लंबाई का प्रतिरोध लैम्बडा है, यानी रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है ऑलरेडी, है ना. चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल में है, बस इतना ही है. अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो पहले ऑप्शन में लिखा है करंट इन द लूप इज इंड्यूस्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. लेंज लॉ यूज करेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट. देखो बच्चों ये इस तरफ जा रहा है, तो एक जो क्लोज्ड एरिया है वो एरिया तो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है ना. जैसे जैसे ये पी क्यू मूव करेगा एरिया इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाएगा. तो इसको अपोज करने के लिए जो करंट का फ्लो होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, यानी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आपकी तरफ होना चाहिए. तो करंट का डायरेक्शन देखो जरा कौन सा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या लिखा है, क्लॉकवाइज. पहला ऑप्शन गलत हो गया. दूसरे में लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द लूप, वो तो कैलकुलेट करेंगे. तीसरे में लिखा है करंट इन द लूप इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, वो भी कैलकुलेट करने के बाद ही पता चल जाएगा. मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डिक्रीजेस एस क्या लिखा है, टाइम इंक्रीजेस. कॉन्स्टेंट है या नहीं है ये सारे के लिए हम लोग करंट एक बार फाइंड कर लेते हैं. तो उससे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे. बस इतना ही है. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पहले से पता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, वी इधर है. इस वाले लेंथ को यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ना इसको एल मान लो. किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अलग अलग टाइम पे ये चेंज होगा. इस लेंथ को भी हम लोग एल मान लेते हैं. ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, रूट टू एल. ठीक है, तो जो ई एम एफ इसमें इंड्यूस्ड होगा क्या लिखते हैं, बी वी एल. ये ईएमएफ तो मिल चुका. ठीक है, अब अगर हम लोग करंट की बात करें, करंट क्या हो जाएगा, ईएमएफ बाय टोटल रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस के लिए हम लोग लिख दें टोटल लेंथ. टोटल लेंथ है 2L प्लस रूट 2L इनटू लैम्डा. ठीक है, वैल्यूज को पुट कर दो जरा, रूट 2 बी वी एल. इसमें से भी हम लोग रूट 2L कॉमन ले लेते हैं, रूट टू एल लैम्डा, ब्रैकेट में बचेगा रूट टू प्लस वन. तो एक तो एल कैंसिल हो जाएगा, रूट टू कैंसिल हो जाएगा. इसको हम लोग लिख देंगे करंट इज इक्वल्स टू बी वी बाय लैम्डा इनटू रूट टू प्लस वन. करंट कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट होने का मतलब करंट चेंज नहीं हो रहा, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है. देखो यहाँ थर्ड में क्या लिखा था, करंट इन द लूप डिपेंडेंट ऑन टाइम. करंट तो इंडिपेंडेंट हो गया टाइम से. फिर लिखा है करंट डिक्रीजेस एज टाइम इंक्रीजेस, ये भी गलत हो गया. तो जब तीनों गलत है फोर्थ होगा ही. फोर्थ में देखो हमने क्या कैलकुलेट किया, बी वी बाय लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 था. आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन. An inductor L and a capacitor C are connected in the circuit as shown in the figure. एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है. ठीक है, the frequency of the power supply is equal to the resonant frequency of the circuit. यानी ये जो ओमेगा है इसकी वैल्यू हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई एल सी लिख सकते हैं. ठीक है ना, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए.
विच एमिटर विल रीड जीरो. देखो अगर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का कंडीशन है, इसका मतलब एक्स एल और एक्स सी दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, अब दोनों इक्वल है, यहां पर ये दोनों एल और सी यानी इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम फेज में होगा. ठीक है, कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज से, जबकि इंडक्टर में करंट 90 डिग्री लैग करता है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो करंट होगा, अगर आप इसमें करंट I1 मान लो, इसमें करंट I2 मान लो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो दोनों करंट के लिए फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. वोल्टेज तो सेम फेज में है, एक 90 डिग्री से लीड कर रहा है, इसमें कैपेसिटर में I2 जो है ये 90 डिग्री लीड करेगा, इसमें जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, यानी दोनों करंट के बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो जाएगा. यहां पर जो नेट करंट होगा वो I1 माइनस I2 लिखेंगे. ठीक है ना, 180 डिग्री फेज चेंज है इसलिए. अब XL XC इक्वल है, सेम सोर्स है, तो जो वोल्टेज होगा दोनों सेम है, करंट भी सेम हो जाएगा ना, समझ रहे हो. करंट सेम हो गया, नेट करंट यहां पर जब आप डिफरेंस लोगे तो जीरो आ जाएगा, A3 की रीडिंग हो जाएगी जीरो. तो बिना किसी कैलकुलेशन के हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं आंसर थर्ड होगा. क्लियर, आगे बढ़ेंगे बच्चों. क्वेश्चन नंबर 11, देखो ध्यान देना, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं. जब परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल कहने का मतलब क्या है, EMF है ना, विद्युत वाहक बल की आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है, तब LCR परिपथ में अनुनाद प्राप्त होता है. अनुनाद यानी रेजोनेंस है. तब परिपथ धारितीय की तरह होगी जब F का मान रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, 1000 पर प्रतिघात न्यूनतम होगा, केवल अनुनाद पर यानी सिर्फ रेजोनेंस पर L तथा R के परितः विभव में कलांतर 180 डिग्री होता है. यदि C के मान को दोगुना कर दे तो अनुनाद फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगी. ठीक है ना, 2000. एक बार ध्यान देना बच्चों, रेजोनेटिंग कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं, एल आर सी सीरीज सर्किट है, रेजोनेटिंग कंडीशन में ओमेगा को 1/√LC लिखते हैं. ठीक है ना, XL और XC दोनों इक्वल होता है. अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये रेजोनेटिंग कंडीशन है. जैसे यहां से आप आगे जाओगे, हम लोग ओमेगा के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, यहां पर आप करंट की बात कर लो, करंट आई है. तो आप देखो ध्यान देना, इससे जब आगे जाते हैं तो XL बढ़ जाता है XC के कंपैरिजन में. ठीक है ना, क्योंकि XL को क्या लिखते हैं, ओमेगा इंटू एल, XC क्या होता है, 1/ωC. तो जैसे ही आप ओमेगा को बढ़ाओगे XL बढ़ेगा, लेकिन ओमेगा बढ़ाने से XC कम हो जाएगा. तो सबसे पहले क्या लिखा है कि 1000 हर्ट्ज पर रेजोनेटिंग कंडीशन है, रेजोनेंस ऑकर्स. ठीक है, तो अब ये फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दिया, ओमेगा भी बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ गया तो यहां पर एक्सएल बढ़ जाएगा, और एक्सएल ज्यादा हो गया तो ये मेनली इंडक्टिव सर्किट होगा. यहां क्या लिखा है, इट बिहेव्स एज कैपेसिटिव सर्किट, गलत है. सेकंड में देखो क्या लिखा है, इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एट एफ इक्वल टू जीरो. रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर जो इंपेडेंस की वैल्यू होती है ये आर के इक्वल होती है, और ये मिनिमम होता है. जनरल फॉर्मूला क्या है, जेड का स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर. अगर ये टर्म जीरो नहीं है, स्क्वायर है ना, पॉजिटिव ही कुछ ना कुछ होगा, जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो आर से ज्यादा हो जाएगा, इंपेडेंस ज्यादा हो जाएगा. लेकिन इंपेडेंस की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल हो जाए. दोनों इक्वल हो गया, ये जीरो हो जाएगा, और ऐसा कंडीशन होता है रेजोनेटिंग कंडीशन में, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे. यहाँ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, इस वक्त इंपेडेंस मिनिमम होगा, ये स्टेटमेंट सही है. थर्ड ऑप्शन में लिखा है वोल्टेज अक्रॉस एल यानी इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिफर इन फेज बाय 180 डिग्री ओनली एट रेजोनेंस. सिर्फ रेजोनेंस में, देखो सीरीज सर्किट है तो एल
हो या कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, सीरीज सर्किट में हमेशा करंट सेम फेज में होगा और कैपेसिटिव सर्किट कैपेसिटर में वोल्टेज जो है वो करंट से लैग करेगा, इंडक्टर में क्योंकि करंट लैग करता है तो वोल्टेज लीड करेगा 90 डिग्री से। तो एक करंट से 90 डिग्री आगे है, दूसरा करंट से 90 डिग्री पीछे है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा दोनों वोल्टेज के बीच। कैपेसिटर यानी VC और VL की अगर हम लोग बात करें, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा हमेशा। सीरीज सर्किट की मैं बात करूँ, पैरेलल सर्किट नहीं, सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में यहाँ लिखा है 180 डिग्री सिर्फ रेजोनेंस पे होगा, सिर्फ रेजोनेंस पे नहीं होगा, हमेशा होता है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ सी इज डबल। कैपेसिटेंस को अगर आप डबल कर दोगे तो ये 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी लिखा है, डबल हो गया, ये तो नहीं हो सकता ना। चार गुना अगर आप इसको करते हो तब हाफ होगा, ठीक है, तो हाफ हो जाएगा फ्रीक्वेंसी भी डबल का। तो ये स्टेटमेंट फोर्थ भी गलत है, थर्ड भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, 12th में क्या लिखा है, टाइम कांस्टेंट ऑफ द गिवन सर्किट इज टाउ। इफ द बैटरी इज रिप्लेस्ड बाय एन एसी सोर्स हैविंग वोल्टेज V इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी। पावर फैक्टर की अगर हम लोग बात करें, ये क्या है, एक R और L, कॉस ने 10 के टर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो 10 के टर्म में ये हो जाएगा XL by XR, क्लियर। और पावर फैक्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये होता है cos phi, जिसकी वैल्यू R by Z लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। हमें क्या करना है, R by Z की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर सीधा सीधा Z कैलकुलेट कर लो, ये मेरे ख्याल से इसकी जरूरत पड़नी नहीं है। Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ही ये एसी सर्किट बनेगा, Z की वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहां पर टाइम कांस्टेंट क्या दिया है, टाउ दिया है, L by R की वैल्यू गिवन है। L को हम लोग R के टर्म में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, L की वैल्यू R इंटू टाउ। अब यहां पुट कर दो जरा, ये स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, एल स्क्वायर है ना बच्चों, ओमेगा स्क्वायर, और एल के बदले आप लिख सकते हो आर स्क्वायर इंटू टाउ स्क्वायर। आर बाहर आ जाएगा, आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा टाउ स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो जेड मिल गया है, कॉस फाइव की वैल्यू आर बाय जेड, आर कट जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/√1 प्लस ओमेगा टी स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन नंबर 12 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स अ सप्लाई लाइन वोल्टेज ऑफ 2200 वोल्ट इनटू 220 वोल्ट। द प्राइमरी कॉइल हैज 5000 टर्न्स, द एफिशिएंसी एंड पावर ट्रांसमिटेड बाय द ट्रांसफार्मर आर 90% एंड 8 किलोवाट रेस्पेक्टिवली, देन द पावर सप्लाई। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, 90% ना, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसा यूज करते हैं। मान लो कि इनपुट पावर जो है वो कुछ है PIN से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, आउटपुट पावर, इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी 0.9। हमें क्या फाइंड करना है, इनपुट पावर फाइंड करना है ना, तो इनपुट पावर को आप लिख सकते हो आउटपुट पावर बाय 0.9, आउटपुट पावर है 8 डिवाइडेड बाय 0.9, ये सॉल्व करके आ जाएगा 8.89 किलोवाट। 8.89 यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14
इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन्स द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस सेम टाइम। सेम प्लेस और सेम टाइम पर सही लिखा है बच्चों, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मैक्सिमा और मिनिमा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक साथ दोनों पॉजिटिव पीक पर आते हैं, एक साथ मेन पोजिशन पर, इस तरीके से होता है। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वैक्टर। ये भी सही लिखा है, हाफ हाफ जो होता है ना एनर्जी का, जब आप एवरेज एनर्जी लेते हो तो हाफ हाफ होता है। हाफ एनर्जी जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, हाफ किस में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, दूसरा हाफ मैग्नेटिक फील्ड में होता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स के बीच में एनर्जी इक्वली डिवाइड होते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। थर्ड में लिखा है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के तो परपेंडिकुलर होता ही है, लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे हम लोग मान लें कि वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किधर होता है, ई क्रॉस बी यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। तो यहां पर तीनों एक्चुअली आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यहां लिखा है ये दोनों आपस में पैरेलल, तो गलत लिखा है। फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की, मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। मैकेनिकल वेव होता तो उसको प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती, तो ये स्टेटमेंट यहाँ सही है। 1, 2, 4 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, क्या लिखा है, अ साइनोसॉइडल वोल्टेज इज अप्लाइड डायरेक्टली अक्रॉस एन 8 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 3 kHz एंड वोल्टेज एम्पलीट्यूड इज 30 V। फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करेंट बिटवीन द वोल्टेज प्लेट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट करेंट की पीक वैल्यू चाहिए। तो पहले हम लोग एक साइनसोइडल वेव है ना, वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, साइनसोइडल मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर वोल्टेज साइनसोइडल है इसमें भी साइन वेव के अकॉर्डिंग ही बदलेगा, फेज जो भी हो प्लस माइनस 90 डिग्री या कुछ भी है, हम लोग ऐसा भी लिखते रहे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखो बच्चों, प्लस 5 मान लो, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ये dq/dt हो जाएगा, और dq/dt का मतलब q नॉट ओमेगा, बाकी का टर्म तो अलग है, cos ओमेगा t प्लस 5, ठीक है ना। अब q नॉट की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, cv, हमें चाहिए पीक करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट की मैक्सिमम वैल्यू, ये हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ओमेगा। क्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, सी इंटू वी नॉट इंटू ओमेगा। अब वैल्यूज को पुट कर देना बच्चों, ये कितना है, 30 है, ठीक है, यहां वी नॉट 30 आ जाएगा, फिर सी की वैल्यू क्या है, 8 माइक्रो फैराड, माइक्रो को माइक्रो में ही रहने देंगे तो माइक्रो एम्पियर में करंट आ जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 2π इंटू फ्रीक्वेंसी 3 kHz, 3 × 10³ हो जाएगा ना 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 1, 2, 3, 3 = 9, 9 × 16π × 10⁴, फिर माइक्रो है ना, 10⁻⁶ लिख दो, तो ये सॉल्व करके जो आएगा 4.52 एम्पियर आ जाएगा, माइक्रो एम्पियर नहीं आएगा, 4.52। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 4.52 आ जाएगा और करेक्ट आंसर होगा 4.52 एम्पियर, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16,
देखो 16 में क्या लिखा है, निम्न में से सही कथन है, अब जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें सेलेक्ट करना है। सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य अधिक है अल्ट्रावायलेट किरणों से, माइक्रोवेव्स और यूवी रेस। अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना यहां पर कहीं विजिबल रीजन है, ठीक है ना, विजिबल रीजन इतने से रेंज में। तो अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, यहां क्या वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ बढ़ते हुए वेवलेंथ के टर्म में अगर लिखे, यहां पर आता है यूवी रेस, यहां पर आएगा इंफ्रारेड लाइट, ठीक है ना, फिर इधर ही एक्स रेज भी आते हैं, गामा रेज भी आते हैं, ठीक है, इस तरह से इंफ्रारेड वेवलेंथ बढ़ रहा है ना, रुक जाओ, इसको ऐसे लिख देंगे। यहां पर अगर विजिबल रीजन है तो यूवी रेज यहां होगा, यहां पर आएगा इंफ्रारेड लाइट, यहां पर विजिबल रीजन, ऐसा होता है। फिर उसके बाद रेडियो वेव्स आते हैं, माइक्रोवेव्स, शॉर्ट माइक्रोवेव्स, फिर उसके बाद रेडियो वेव्स, शॉर्ट माइक्रोवेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स, ऐसे होता है। अब जब हम लोग कंपेयर करें, फर्स्ट में क्या लिखा है, वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इज ग्रेटर देन, माइक्रोवेव इज ग्रेटर देन यूवी, सही लिखा है। वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड इज लेसर देन यूवी, ये तो गलत लिखा ना, इंफ्रारेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है। वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव, व्हाई माइक्रोवेव इज लेसर देन इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड से ज्यादा होता है, क्या लिखा है, कम। फोर्थ में लिखा है गामा रेज हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये 16 था, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान देना, फिगर शोन इज अ ग्राफ एट अ सर्टेन टाइम टी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन एस, एस एक्स और टी के टर्म में है, ऑफ थ्री साउंड वेव्स 1, 2 and 3 मार्क्ड ऑन द कर्व दैट ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस थ्रू एयर, ठीक है, तीन अलग अलग पल्सेस हैं, तीन अलग अलग वेव्स हैं जो कि 1, 2, 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहां दिया हुआ है। फिर क्या लिखा है, इफ P1, P2 एंड P3 रिप्रेजेंट्स प्रेशर एम्पलीट्यूड रेस्पेक्टिवली देन करेक्ट रिलेशन अमंग देम इज, P1, P2 और P3 ये प्रेशर एम्पलीट्यूड है, हम लोग P को क्या लिख सकते हैं, BKS0 प्रेशर एम्पलीट्यूड को, B तो बल्क मॉडुलस है जो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, एयर के एयर से थ्रू पास हो रहा है ना सर्टेन टाइम, ये जिस मीडियम से होकर पास हो रहा है एयर से, तो एयर पे डिपेंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। K की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 2π/λ, और अगर S की बात करें, देखो सबके लिए एम्पलीट्यूड सेम ही है, तो हमें सिर्फ लैम्डा चेक करना है कि किसका लैम्डा सबसे ज्यादा है, जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा उसका प्रेशर एम्पलीट्यूड सबसे कम होगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा वेवलेंथ, ये देखो ये कौन सा वेव है, ये है 2, ये है 3, तो ये होगा ना 1, ठीक है, 1 का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है उसके लिए प्रेशर सबसे कम होना चाहिए। फिर अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करें, देखो थर्ड का वेवलेंथ सबसे कम है ना, थर्ड का वेवलेंथ सबसे कम है, यानी थर्ड का प्रेशर सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, P2 की वैल्यू ज्यादा होगी, फिर P3 की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर P2, फिर P1, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, इन अ स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग इन वन टाइम पीरियड ऑल द पार्टिकल्स आर साइमल्टेनियसली एट रेस्ट वंस ओनली, पहले में लिखा है कि सारे पार्टिकल रेस्ट में सिर्फ एक बार आते हैं, एक टाइम पीरियड और एक साथ आते हैं। दूसरे में लिखा है ऑल द पार्टिकल्स मस्ट बी देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम्स साइमल्टेनियसली वंस, या वंस है
इन वन टाइम पीरियड, यानी हर एक पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर एक साथ आ रहे हैं और एक बार आ रहे हैं। थर्ड में लिखा ऑल द पार्टिकल्स मे बी एट देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम साइमल्टेनियसली वंस इन अ टाइम पीरियड। इन दोनों में देखो यहां लिखा है मे बी, हो सकता है, ठीक है ना, हो सकते हैं और होते हैं, दोनों में फर्क है ना। फोर्थ में क्या लिखा है ऑल द पार्टिकल्स आर नेवर एट रेस्ट साइमल्टेनियसली, साथ साथ तो होते ही है रेस्ट में, जब भी एक्सट्रीम पोजिशन पर हो, तो फोर्थ स्टेटमेंट तो गलत है। अब जरा एक बार हम लोग बात करें बच्चों, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, ध्यान देना। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है इन वन टाइम पीरियड ऑल द पार्टिकल्स आर साइमल्टेनियसली एट रेस्ट वंस, तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पर आएंगे सबके सब रेस्ट में आ जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम दोनों जगह आएगा एक साइकिल में, एक बार पॉजिटिव एक्सट्रीम एक बार नेगेटिव एक्सट्रीम, तो एक साइकिल में दो बार, वन टाइम पीरियड में दो बार आएंगे ना कि एक बार, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड में बात करें क्या लिखा है ऑल द पार्टिकल्स मस्ट बी देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम, मस्ट बी एट देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम्स साइमल्टेनियसली वंस इन वन टाइम पीरियड। हर एक पार्टिकल देखो, एक यहां पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तो दूसरा नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, कोई और फिर से पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, तो सबके सब एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम पर तो नहीं है, मीन पोजिशन पर सब एक साथ आते, पॉजिटिव पर तो नहीं आते ना। लेकिन इसमें देखो थर्ड में क्या लिखा है ऑल पार्टिकल्स मे बी एट देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम साइमल्टेनियसली वंस इन अ टाइम पीरियड, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। अब हम लोग थर्ड की बात करें, अगर ये फंडामेंटल मोड में हो, ठीक है ना बच्चों, तो इस कंडीशन में सब के सब एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम पर आएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या लिखा है फिगर शोज अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड पाइप्स ऑफ लेंथ एल 2L, एल बाई टू एंड एल बाई टू इन ऑप्शंस 1, 2, 3 and 4 रेस्पेक्टिवली, द स्ट्रिंग्स टेंशन इज एडजस्टेड सच दैट द स्पीड ऑफ वेव्स ऑन द स्ट्रिंग इक्वल्स द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन द एयर, यानी कि आप जो स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू लिखते हो और वी लिखते हो, स्पीड ऑफ साउंड के लिए ये टी बाई म्यू दोनों इक्वल होगा, ठीक है ना। फिर देखो क्या लिखा है द फंडामेंटल मोड ऑफ ऑसिलेशन इज देन सेट अप ऑन द स्ट्रिंग इन विच पाइप विल द एयर कॉलम विल बी इन रेजोनेंस विद द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रिंग इन फंडामेंटल मोड। स्ट्रिंग का तो फंडामेंटल मोड सही, इसका भी फंडामेंटल मोड ही है, ठीक है बच्चों। तो देखो स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिंग के लिए फंडामेंटल मोड में 1/12L × V ये होगा फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा 1/4L आ जाएगा, ठीक है ना, एक एंड पे क्लोज है, ये दोनों एंड पर ओपन है, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं 1/2 × 2L, तो ये भी 4L आ रहा है। यहां पर अगर आप लिखोगे ये क्या आ जाएगा 1/2 × L/2 फिर V, तो ये तो L ही रहेगा, लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/4, 4 टाइम्स होता है ना बच्चों, 1/4 और यहां पर L/2 है इंटू वी, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि स्ट्रिंग के साथ फंडामेंटल मोड में कौन हार्मोनिक में होगा, ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑर्गन पाइप हार्मोनिक कंडीशन में होगा फंडामेंटल मोड में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 19 था। 20 में देखो क्या लिखा है Which of the following waves will produce standing wave with node at x equals to 0 when superimposed
on y is equals to a sin omega t minus kx. एक तो वेव ये है, दूसरा वेव देखो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रहा है बच्चों, ठीक है ना, इधर जा रहा है। दूसरा वेव अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा तो सुपरइम्पोजिशन के बाद स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा। ये वाला वेव जितने ऑप्शंस दिए हैं सबके सब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन साइन वाला टर्म है, आप इसको साइन वाले के साथ एक बार सॉल्व करके देखो, अगर इन दोनों का सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, ये देखो साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी के टर्म में है, हमारे पास आंसर आएगा 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। तो x इक्वल्स टू जीरो पुट करने पर ये मैक्सिमम हो जाएगा, कॉस जीरो वन होता है तो नोड नहीं आएगा, एंटी नोड आ जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, नोड। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, इनकरेक्ट है। अब दूसरा हम लोग चेक करते हैं, दूसरा क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये साइन ओमेगा टी ये प्लस पाई है ना, तो माइनस के टर्म में आ जाएगा क्या, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर साइन 90 प्लस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, हम लोग माइनस में लिख देंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब देखो ध्यान देना बच्चों, अगर माइनस आप इसमें से कॉमन ले लेते हो ना तो फिर ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी अगर आप लिखते हो, माइनस साइन को हमने कॉमन लिया है, क्या आएगा, टू ए साइन बी, साइन बी में यहाँ कॉस के एक्स आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। तो अब अगर आप x की वैल्यू जीरो पुट करोगे, साइन के एक्स जीरो होगा, और साइन के एक्स जीरो होने का मतलब x इक्वल्स टू जीरो पर नोड आएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गए, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। लिखा है कैपिलरी ट्यूब व्हेन इमर्ज्ड वर्टिकली इन अ लिक्विड रिकॉर्ड्स अ राइज ऑफ 3 सेंटीमीटर इफ द ट्यूब इज हेल्ड इमर्ज्ड इन द लिक्विड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the vertical, the length of the liquid column along the length of tube will be n centimeter, find the value of n. देखो ध्यान देना, height जो है ना वो तो बदलता नहीं बच्चों, पहले ट्यूब ऐसा था, बाद में कैपिलरी ट्यूब को ऐसे लिख दिया, कितने एंगल पर, 60 डिग्री विद द वर्टिकल। यहां से अगर आप 60 डिग्री पर लिखोगे तो अभी पहले जिस हाइट पर लिक्विड रेस्ट हो रहा था अभी भी उसी हाइट पर आएगा ना, तो ये लेंथ को आप L मान लो, L cos थीटा, ये कितना है, हाइट 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1/2 यानी L की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना, इसमें लिखा है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इज एल, ठीक है ना, एक सैटेलाइट है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या दिया हुआ, एंगुलर मोमेंटम एल है जब आर डिस्टेंस पर है। इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज टू 16 आर, डिस्टेंस को बढ़ा करके 16 आर कर दिया गया, तो नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, न्यू एंगुलर मोमेंटम विल बी n टाइम्स ऑफ l। एंगुलर मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें बच्चों, देखो सैटेलाइट है ना, mvr ऐसा लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, और ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है कक्षीय चाल बोलते हैं, इसका मान होता है स्क्वायर रूट ऑफ gm/r, ठीक है ना। तो आप सॉल्व करने के बाद इसको क्या लिख सकते हो, m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ gm/r, यानी L प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ R है। अब अगर R को आप 16 टाइम्स कर दोगे तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, L 4 टाइम्स हो जाएगा, तो N टाइम्स का मतलब 4 टाइम्स हमारा आंसर होगा 4। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। 3 देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी के वी इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड इन द स्पेस वेयर वी इज
escape velocity and k is less than 1. यानी कि escape velocity से थोड़ा कम, plane वेग से, जो plane वेग है ना बच्चों, इससे थोड़े कम वेग से ऊपर की तरफ फेंका गया k times. ऊपर फेंक रहे तो किसी height पर जाएगा, फिर लौट कर नीचे आ जाएगा. If air resistance is considered to be negligible, then the maximum height from the center of the earth which it can go will be r divided by a minus k to the power b. r radius of earth है, a और b constant है, हमें a into b की value find करनी है. सबसे पहले देखो इस तरह के questions को कैसे solve करेंगे. Energy conservation का concept हम लोग use कर लेते हैं. Ground surface पर minus g m small m by r, ये तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी. काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चों? हाफ एम इंटू के वीई स्क्वायर. जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर आएगा. मैं वीई की वैल्यू यहां लिख देता हूं. ये तो एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी एम बाय आर. जब आप स्क्वायर करोगे तो यहां पर आएगा 2 जी एम बाय आर. 2 से 2 कट जाएगा ना, ठीक है. किसी हाइट पर हम लोग मान लेते हैं कि ये जी एम एम, उस हाइट पर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पर. और हाइट आर प्लस एच, ग्राउंड से हाइट दिया ना या सेंटर से दिया. हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ है इसको हम लोग स्मॉल आर लिख देते हैं, ठीक है. अब सॉल्व करते हैं. एक तो एम सब में कट जाएगा, जीएम भी कट रहा है, जीएम भी काट देते हैं. तो यहां बचा माइनस वन बाय आर, माइनस वन बाय आर. यहां पर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर बाय आर, के स्क्वेयर बाय आर. और इस जगह माइनस वन बाय स्मॉल आर. तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेना, वन माइनस के स्क्वेयर बाय आर. जब हम लोग माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, यहां ऐसे इक्वल्स टू माइनस वन बाय आर. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. मैक्सिमम हाइट की बात करें, ये हो जाएगा आर ओवर वन माइनस k टू दी पावर 2. तो यहां पर a लिखा था, यहां पर b. a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 2. a इंटू b क्या हो जाएगा? 2. करेक्ट आंसर 2, ठीक है बच्चों. देखो ऐसा दिया ना, तो a इंटू b ये आंसर 2 हो जाएगा. ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था. फोर्थ में आओ, क्या लिखा है? इन द सर्किट द स्विच इज क्लोज्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है. लंबे समय के बाद स्विच को क्लोज किया, सॉरी स्विच इज क्लोज्ड, बस स्विच को क्लोज कर दिया. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द फाइनल करंट थ्रू इंडक्टर इज 1 बाय n एम्पियर, देन द वैल्यू ऑफ इट. पहले स्विच को क्लोज करते हैं बहुत लंबे समय के बाद. शुरुआत में तो देखो ये रेसिस्ट करता है चेंज इन करंट को, लेकिन बाद में लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, है ना. लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जब लंबे टाइम के बाद कांस्टेंट करंट फ्लो होने लग जाएगा, ये सिर्फ एक कंडक्टिंग वायर जैसा बिहेव करेगा. और अब हमें बताना है कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है ना. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट ही होगा दोनों पैरेलल में, दोनों के अक्रॉस 10 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस. रेसिस्टेंस कितना है? 100 ओम. करंट हो जाएगा 1/10 एम्पियर. एन की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है. अ पॉइंट सोर्स ऑफ पावर 50 पाई वॉट वॉट्स इज प्रोड्यूसिंग साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1875 हर्ट्ज. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड. एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 1×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. डेंसिटी ऑफ एयर इज ऑल्सो गिवन. प्रेशर एम्पलीट्यूड at r is equals to square root of 330 meter from the point sources. Pressure amplitude हमें find करना बच्चों. यहाँ पे power दिया है. देखो intensity को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Power divided by 4 pi r square, जो distance दिया है अपने distance पे, ठीक है ना.
ये पावर है, पावर को हम लोग 50 पाई लिख दें डिवाइडेड बाय 4 पाई और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 330, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, अभी ऐसे ही रहने देते हैं 50 बाय 4 इंटू 330। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड बाय 2 रो वी स्क्वायर, पी नॉट स्क्वायर बाय 2 रो वी ऐसा लिखते हैं। तो आई के बदले आप क्या पुट करोगे, 50 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 330। हमें क्या फाइंड करना है, प्रेशर एम्पलीट्यूड यानी पी नॉट तो फाइंड करना है बच्चों, डेंसिटी कितना दिया है 1 ही दिया है क्या, डेंसिटी 1 है, v की वैल्यू है 330, तो ये 330 से 330 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 से इधर कितना हो जाएगा 100 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, p नॉट की वैल्यू 5, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 पास्कल। ठीक है बच्चों, हो गया, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। तो बच्चों यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, थैंक यू।